विधायक ने सरेंडर किया है। इनको उम्र कैद की सजा हुई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। विधायक का नाम अशोक चंदेल है, इन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विधायक के साथ सैकड़ों की संख्या में जनता आज कोर्ट पहुंच गई थी। पुलिस ने धारा 144 का अनुपालन इस दौरान नहीं करा पाई। पूरे लाव लश्कर के साथ अशोक चंदेल कोर्ट पहुंचे और खुद को सरेंडर किया। बीजेपी के विधायक हैं अशोक चंदेल, जिन्होंने आज सरेंडर किया है, इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने 3 और आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। विधायक के साथ सैकड़ों की जनता भी कोर्ट पहुंची थी। सामूहिक हत्याकांड में हाई कोर्ट ने हमीरपुर विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आज अशोक कुमार सिंह चंदेल विधायक ने हमीरपुर में कोर्ट में पेश हो गए और हमीरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने हमीरपुर को छावनी बना दिया था और छावनी बनाने के बाद हमीरपुर के अगल बगल जिले का भी फोर्स यहाँ पर लगा दिया था। लेकिन आज फिल्मी स्टाइल में सदर विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल समर्थकों के साथ हमीरपुर कोर्ट में पेश हो गए, जिस पर धारा 144 लागू थी और पुलिस हाथ मलती रह गई। भारत समाचार के लिए असद खान हमीरपुर। और SS झा इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। SS झा, पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी ऐसा असद खान बता रहे हैं, लेकिन धारा 144 का अनुपालन तक नहीं करा पाई, फिर ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था किस काम की? देखिए, मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड के बाहुबली विधायक हैं अशोक सिंह चंदेल थे, और जिस तरीके से आज अपनी लाव लश्कर के साथ हजारों लोगों के साथ जो कोर्ट के अंदर प्रवेश हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस देखती रही और अशोक सिंह चंदेल अपने 10 लोगों के साथ आज कोर्ट में पहुंचे और जेल भी चले गए। लेकिन अशोक सिंह चंदेल की बात करें तो 1997 में बच्चे सहित 5 लोगों की इन्होंने हत्या कर दी। हत्या किस बात पर हुई थी? सिर्फ गाड़ी को लेकर हुई थी कि गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुई थी, छोटी सी बात को हत्या कर दी थी। लेकिन जब से अशोक सिंह चंदेल सांसद भी रहे, समय का अभाव इसलिए आपको रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में एक युवती को सरेआम दबंगों ने सड़क पर जमकर मारा पीटा है। 4 युवकों ने लड़की